क्या नॉर्मल लैपटॉप लूं या एप्पल लैपटॉप लूं? कौन सा बेस्ट है दोनों में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपन कुमार जी, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस वीडियो के अंदर। आज बात करने वाला हूं मैं कि हैकर के लिए तो बेस्ट क्या है, विंडोज ले या मैक। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं जब वो हैकिंग में अपना करियर स्टार्ट करते हैं या फिर हैकिंग में जंप कर चुके होते हैं, एक दो साल एक्सपीरियंस होता है, तो वो सोचते हैं कि यार मैं लैपटॉप ले रहा हूं, नया लैपटॉप ले रहा हूं, अगर मैं 50-60 हज़ार की मेरी रेंज है तो मैं कौन सा लैपटॉप पे जाऊं, मैं विंडोज चूज करूं कि मैं मैक यूज करूं। बहुत सारे हैकर देखा होगा स्कूल स्वैग के अंदर मैकबुक यूज कर रहे हैं और विंडोज भी है, एक अपनी जगह है ही सही, मतलब इनिशियल से बना हुआ है। सो उस कंडीशन में वो बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई कौन सा लैपटॉप यूज करें। तो मैं एथिकल हैकर के हिसाब से बताने वाला हूं मैं आपको कि कौन सा बेस्ट लैपटॉप रहेगा अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर आ गए हैं या फिर जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि विंडोज सिस्टम के अंदर और एक मैकबुक के अंदर अंतर क्या है, कौन सा हमें लेना चाहिए, और लास्ट में मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ में जो मुझे लगा कि भाई वो चीज करके मैंने बना दिया है अपना स्वैग। सब्सक्राइब कीजिए हैकर ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबा के सबसे पहले देखिए हमारी वीडियो को। तो पांच पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट जो आ रहा है वो है कॉस्ट। कॉस्ट की बात करूं तो भाई विंडोज सिस्टम जो होगा ना वो आपको इनिशियली भी 40-45 हज़ार से भी स्टार्ट हो जाता है। i5 की बात करो और वही जो मैकबुक है उसकी एक स्टैंडर्ड रेंज जो स्टार्ट होती है वो होती है 60-65 हज़ार से, जो आपसे कम से कम वाला लैपटॉप आप खरीदें उसमें। तो बेसिकली कॉस्ट का भी बहुत अच्छा मैटर करता है। अगर आप इतना पैसा नहीं है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए, तो मेरे हिसाब से विंडोज़ जो है, विंडोज़ मशीन एक अच्छी मशीन होती है क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, कम प्राइस के अंदर भी अच्छी कंपनी का बढ़िया लैपटॉप मिल जाएगा। पर मैकबुक के अंदर इतने सारे वेरियंट नहीं है, i5 लेंगे तो वो 60-65 हज़ार से स्टार्ट होता है, 55 हज़ार के आसपास स्टार्ट होएगा। तो उस कंडीशन के अंदर विंडोज़ जो है वो ओवरकम करता है मेरे मैकबुक के ऊपर। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ, अगर मुझे विंडोज़ में कुछ चेंजेस कराने हैं या फिर मान लो मुझे मैकबुक में चेंजेस कराने हैं, तो मुझे ईजी पड़ता है विंडोज़ में चेंज कराना, मतलब विंडोज सिस्टम में चेंज कराना एज कम्पेयर टू मैकबुक। मैकबुक के अंदर मुझे हमेशा लगता है कि यार कराऊं नहीं कराऊं, कुछ हो गया, कुछ मतलब टूट गया, कुछ मतलब नहीं मिल पाया, या कॉस्ट कितना है, एक एक चीज इतना महंगा आता है कि वो कॉस्ट उठाने से पहले चार्जर खराब हो जाए तो फिर भाई सोचना पड़ता है कि खरीदे ना खरीदे या फिर लैपटॉप को ऐसे रहने दे। जैसे ये मैकबुक है, मैं इसको यूज ही बहुत कम करता हूं क्योंकि काम इतना नहीं आता मेरा, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि ये ना मतलब बेकार है लैपटॉप, पर हाँ अगर मैं बात करूँ फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से तो विंडोज ओवरकम करता है आपके मैकबुक को। मैकबुक को आपको चेंजेस कराने से पहले, रैम अपग्रेड कराने से पहले या फिर हार्ड डिस्क चेंज कराने से पहले आपको चार बार सोचना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं। वही विंडोज के अंदर इजी वे में आपको जुगाड़ भी मिल जाता है, वो आपको मैकबुक के अंदर भी मिलता है, पर उतना अप्रोप्रिएट काम नहीं करता जितना विंडोज के अंदर काम करता। तो इसके अंदर भी मेरे हिसाब से विंडोज जो है मैं प्रेफर करता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो लाइसेंस कॉस्ट। आपने खरीदना, मतलब मैकबुक खरीदना कोई बड़ी बात नहीं, लाख रुपए कोई भी खर्च कर सकता है अगर इसके पास खूब सारा पैसा, हमारे पास नहीं तो हम नहीं खर्च कर सकते। सो लाइसेंस कॉस्ट जो होता है ना वो बहुत मारता है आपको मैकबुक के अंदर, मतलब आपको काफी सारे सॉफ्टवेयर जो आपको एक्चुअल में जरूरत पड़ते हैं उनके लिए आपको पे करना पड़ता है। अब कुछ लोग जैसे बोलेंगे भाई जुगाड़ कर लो या क्रैक खरीद लो, वो एक अलग बात है, ठीक है ना, पर मैं जेन्युइन तरीके से बात कर रहा हूं कि आपको लाइसेंस कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। वही विंडोज के अंदर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है लाइसेंस को लेके, आपको काफ़ी सारे फ्रीवेयर मिल जाएंगे तो वो इजी रहेगा आपको यूज़ करना। सो उस कंडीशन के अंदर भी विंडोज़ जो है ओवरकम करता है मैक। बात करूँ सॉफ्टवेयर सपोर्ट की, तो हम लोग हैकिंग के अंदर बहुत सारे मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर हो गया, पेंटेस्टिंग सॉफ्टवेयर हो गए, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। सो उस कंडीशन के अंदर सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो है ना, एक थोड़ा चैलेंजेस मुझे नज़र आता है मैकबुक को यूज़ करते हुए, क्योंकि वहाँ पे मैं सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाता, वहाँ पे सारी चीज़ें नहीं चल पाती है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। विंडोज़ में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो सॉफ्टवेयर विंडोज़ के लिए बना हुआ होता है वो काफ़ी हद तक विंडोज़ के लिए बना हुआ होता है, मैकबुक में भी अवेलेबल होते हैं पर सारे मैकबुक के लिए अवेलेबल नहीं होते। तो यहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि यार विंडोज़ यूज़ कर लूँ क्योंकि मुझे बार बार तो विंडोज़ पे स्विच करना पड़ता है मेरे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर को ट्राई करने के लिए या फिर एक एक बार चलाने के लिए। फ्रीवेयर भी काफ़ी सारे जो है वो सपोर्ट नहीं करते हैं मैकबुक को। तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट की बात करूँ तो मुझे चैलेंजेस नज़र आते हैं मैकबुक के अंदर एज कम्पेयर टू विंडोज़। और इजी टू यूज़ की बात करूँ तो मैं बता दूँ कि ये ना मैकबुक जो है वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑब्वियसली बात है आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत चैलेंजेस नज़र आएगा इस तरीके। उसका ग्राफिकल इंटरफेस भी ठीक है, पर जो लोग डेली चला रहे हैं मैकबुक को तो मेरे हिसाब से उनको इजी लगेगा, पर इनिशियल जो स्टार्ट कर रहा है अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में काफी सारी चीजें खुराफाती करनी पड़ती है लैपटॉप के अंदर उनको, तो उस कंडीशन के अंदर शायद मेरे हिसाब से आपको इजी नहीं लगे वो चलाना। सो इजी टू यूज के अंदर मुझे काफी बार चैलेंजेस मिलते हैं मैकबुक चलाते वक्त। जो लोग सिर्फ मैकबुक चलाते हैं उनके लिए वो इजी हो गया होगा, पर जो मैक और विंडोज दोनों चलाते हैं उनके लिए विंडोज जो है मेरे हिसाब से काफी अच्छा रहता है, वो इजी वे में यूज कर सकते हैं यूज, क्योंकि इनिशियल तौर पर आप लोग काफी एक्सपेरिमेंट करते तो उसके अंदर वो बहुत अच्छा रहता है विंडोज। तो ये कुछ पांच पॉइंट्स है जहां पे बेसिकली जो विंडोज है वो ओवरकम करता है मैकबुक को। आई नो कि मैकबुक अपने आप में एक बहुत अलग चीज है, ठीक है ना, उसको यूज करना एक अलग ही मजा आता है, चीजें काफी अच्छी है उसके अंदर, पर अगर आप पेंटेस्टिंग में जाना चाह रहे हैं, आप खुराफाती करना चाह रहे हैं स्पेशली साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग के अंदर है, तो मेरे हिसाब से विंडोज जो है वो बेटर रहता है एज कम्पेयर टू मैकबुक। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं किसी के ऊपर ऐसे नहीं बोल रहा। अब जो मैकबुक यूज कर रहा होगा उसको अच्छा लगता है तो ठीक है वो यूज कर रहा है, मैं काफी हद तक मेरे पास दोनों सिस्टम्स है तो मैं मैक्सिमम काम जो है विंडोज पर करता हूँ, मैं मैकबुक भी यूज करता हूँ पेंटेस्टिंग में, पर मैं ज्यादातर जो है विंडोज को
ही प्रेफर। एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ में। विंडोज और मैकबुक की बात चल रही है तो मैं एक दुबई के अंदर एक ऑडिट में गया था, तो वहां पे आपको पता है मतलब फॉरेन कंट्रीज के अंदर लोगों का जनरली चलन होता है कि वो सिर्फ मैकबुक यूज करते हैं, उनके एप्पल के प्रोडक्ट पता नहीं यानी क्या दिखता है। तो वो सबके साथ वहां पे कुछ 70-80 लोगों का स्टाफ था एक फ्लोर के ऊपर से, काफी सारे फ्लोर्स थे, तो वो 70-80 लोग सबके साथ मैकबुक यूज कर रहे थे। और क्या हुआ जब मैं पहली बार गया वहां पे तो मैंने बोला कि भाई सब तो वहां पे मैकबुक यूज कर रहे हैं, और मैंने अपना प्रेडेटर निकाला वहां पर। प्रेडेटर निकालने के बाद जो वो एलईडी आरजीबी की लाइट्स होती है पीछे का, पीछे जो स्क्रीन पे आता है, वो देख के उनकी आंखें फटी फटी रह गई। उन्होंने पूछा कि यार ये जो लैपटॉप है ये आपको कंपनी ने दिया? मैंने कहा हमारी कंपनी प्रेडेटर ही हमें देती है। तो वो अपना मैकबुक छोड़कर आगे थे मेरे पास मेरा प्रेडेटर यूज करने के लिए। तो बेसिकली समझ में आ रहा है आपको कि ना एक प्रेडेटर का एक अलग ही स्वैग होता है। मैं खुद भी चाहता हूँ कि प्रेडेटर मैं लूँ, लास्ट टाइम मैं ले नहीं पाया था पर अब मैं प्रेडेटर लूंगा। उसके अलावा फिर मेरे को एक डेल का सिस्टम पसंद आया, वो 2.5 लाख के आसपास का, वो ही बहुत बेस्ट है, वो विंडोज सिस्टम ही है, उसमें आप लिनक्स डाल लो तो थोड़ा बढ़िया हो जाएगा, बस इतना कर सकता हूँ मैं उसके अंदर। सो मेरे हिसाब से मैकबुक और विंडोज का अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मेरे हिसाब से इनिशियल तौर पे अगर आप लेके चले तो भाई विंडोज जो है वो मशीन ज़्यादा सही रहती है एज़ कम्पेयर टू मैकबुक। आप यूज़ करें, अगर आपको, अगर आप डेडिकेटली सिर्फ मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अगर विंडोज़ और मैकबुक दोनों यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो इसका वेटेज है वो ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू दिस मशीन। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ा सा जानकारी मिलेगी कौन सा, अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि मुझे विंडोज और मैकबुक के अंदर कौन सा सिस्टम चूज करना चाहिए अगर मैं साइबर सिक्योरिटी में मूव ऑन करना चाह रहा हूं, फिर मैं जाना चाह रहा हूं या नया लैपटॉप परचेज कर रहा हूं, तो उस कंडीशन के अंदर मैंने आपको थोड़ा गाइड करा है। कुछ आपको लगे तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर, नए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको हमारी इस वीडियो से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि ना अगर आप मैक और विंडोज के अंदर कंफ्यूज हैं तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में अगर आप जा रहे हैं तो कौन सा लैपटॉप वाइजली चूज करें कि यार मुझे ये वाला करना है कि ये वाला करना है, ये कंफ्यूजन तो थोड़ा बहुत आपका इस वीडियो से दूर हो गया होगा। कुछ नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल के ऊपर, हम ऐसी काफी सारी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। ब्लॉग अगर आपने देखा नहीं हमारी हैकर की लाइफस्टाइल का तो देखना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं वीडियो लगी कैसे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।